नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज में। आज हम लोग बात करेंगे विकास इकोटेक की। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि भैया दो बहुत बड़ी बम्पर खबर निकल कर आ रही है, एक तो तगड़ा ऑर्डर मिला इनको और दूसरा FII ने अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है, क्योंकि लेटेस्ट होल्डिंग आ गई है जून वाली, तो 15% इवन प्रमोटर से आगे निकल गए FIIs। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते हैं कि थंबनेल पे मैं वही चीज़ें लगाता हूँ जो एक्चुअल में आपको अंदर मिलती हैं, मैं मिसलीड नहीं करता कभी भी। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ गाइस, ना ही मैं टिप पर विश्वास करता हूँ, यहाँ केवल अपने वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह डालता रहता हूँ। अभी लॉरस लैब पे डाला है, गोयल पे डाले हैं मैंने वीडियो, सुदलॉन पे, विकास लाइफ पे डाला है, बहुत सारे लॉयड स्टील पे डाला है। यहाँ पर जो न्यूज़ आई है, देखिए अडानी ग्रुप से तगड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, अडानी पावर पे तगड़ी न्यूज़ निकल के आ रही मैंने डाला है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। समझ रहे हैं आप बात को गाइस? ठीक है, चलिए शुरू करें। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अपडेट 15 जुलाई का है, BSE और NSE दोनों को इन्फॉर्म किया है, और यहाँ पर मीडिया रिलीज जो इन्होंने किया उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो हम लोग सीधा आते हैं जो इनको ऑर्डर मिला है। देखिए 15 जुलाई 2023 का मामला है यहाँ पर, और यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, कंपनी हैज़ बैक फ्रेश ऑर्डर वैल्यूड वेल ओवर INR 200 मिलियन, यानी कि लगभग 20 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और इसके साथ ये बता रहे हैं कि इनका जो कंपनी है 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 3 साल से ग्रो कर रही है आफ्टर COVID-19 पेंडेमिक। ठीक है, और दूसरी चीज़ इनके कस्टमर देखिए कितने तगड़े तगड़े हैं, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। ठीक है, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे मैंने वीडियो डाला थोड़े दिन पहले, और इससे पहले भी जब मैंने वीडियो डाला था तब वो लगभग 800 रुपये के आसपास था, और अभी अच्छा खासा भाग चुका है, अच्छा खासा, आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा वो। ठीक है, पॉली कैप देखिए कितनी बड़ी कंपनी, DCW लिमिटेड, खादिन्स, पैरागॉन्स। ठीक है, तो अच्छे खासे इनके पास क्लाइंटेज है, अच्छी खासी इनके पास मतलब बड़ा एक वो है, लेकिन इसका मार्केट कैप गाइस बहुत छोटा है, ESM में आने का बहुत बड़ा खतरा है। आपसे रिक्वेस्ट है देखिएगा जरूर पूरा वीडियो, ये खबर देख के अगर आप लेने चलेंगे फंस जाएंगे। बाकी यहाँ पर कंपनी के बारे में बताया गया, इस पर हम लोग फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि लगभग 0.97% बढ़त के साथ 3.12 रुपये बंद हुआ है, ओपन हुआ था 3.11 रुपये, हाई लगाया 3.15 रुपये और 3.08 रुपये लो लगाया है। और अभी यहाँ पर आपको फिलहाल किसी भी ग्रुप में देखने को नहीं मिल रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मार्केट कैप की। देखिए मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है और अच्छा खासा कम है, 294 करोड़ का है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा एक निकल कर आता है ESM का। आपने मेरा ESM स्टेज 2 का वीडियो नहीं देखा है, मतलब पूरा ESM पे मैंने बनाया है, स्टेज 2 बन गया, यहाँ पर आपको आई बटन में चलते हुए दिख जाएगा वो वीडियो, तो देख लीजिएगा, और नहीं तो वीडियो खत्म होने पर आपको एंड स्क्रीन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, या यहाँ कहीं पर भी दिख सकता है, तो आप उसको क्लिक करके जरूर देखिएगा। अच्छे खासे लोगों ने देखा, मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 3-4 हज़ार लोगों ने उसको देखा हुआ है। तो अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको जरूर देखिएगा। ROC की बात करेंगे 6.81, अच्छा नहीं है। ROE की बात करेंगे, अच्छा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही बुरी है, 7.8%, और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को घटाया है और प्लेज परसेंटेज फिलहाल नहीं है। डेट आप देखेंगे तो 61.8 करोड़ है, जो कि डेट टू इक्विटी बनाता है 0.26, यानी कि 1 से कम है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पर आप हाई और लो की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2.35 रुपये का लो लगाता है और 4.15 रुपये का हाई लगाता है, और अभी आपको देखने को मिल रहा है 3.10 रुपये पे। कामकाज के बारे में आप लगभग जानते ही हैं, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है फिलहाल, तो इस पर हम लोगों को ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वार्टरली नंबर्स और बाकी जो ईयरली नंबर्स हैं वो डिस्कस हम नहीं करेंगे, उस पर इससे पहले मैं थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, नहीं तो अभी जो उसके नंबर्स आएंगे तब फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रमोटर्स देखिए यहाँ पर 9.32 से देखिए घट के कितने हो गए हैं, 7.89, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7.85 है। और यहाँ पर गाइज आप देखिए FII देख के आपको मज़ा आ जाएगा, 0.03 से सीधा जंप मारा है जून वाले क्वार्टर में, 15.18%, 15% से भी ज़्यादा ही है, बल्कि मैंने तो थंबनेल पे 15 ही लिखा था। ठीक है, DII फिलहाल अभी यहाँ से आपको नहीं देखने को मिलना है, बाकी जो बचा हुआ मामला है वो है पब्लिक के पास, यहाँ पर आप देखिए 76.98, तो यहाँ से देखिए थोड़ा बहुत तो स्टेक अपना प्रमोटर जो बेच के निकले हैं, लेकिन FII ने अच्छा खासा यहाँ पर मतलब इतनी बड़ी होल्डिंग तो बढ़ाना एक बड़ी बात होती है। बात करें कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स की, तो यहाँ पर पॉजिटिव देखिए एनुअल रेवेन्यू के मामले में पॉजिटिव है मामला, क्वार्टरली रेवेन्यू के मामले में नेगेटिव है, एनुअल नेट प्रॉफिट के मामले में पॉजिटिव, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के मामले में पॉजिटिव। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सबको पढ़ भी सकते हैं, है ना, क्योंकि देखिए वही चीज़ें होती हैं जनरली मैं पूरे वीडियो में आपको बताता हूँ। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के मामले में पॉजिटिव है, स्टॉक प्राइस यहाँ पर आपको नेगेटिव दिख रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, सेक्टर का PE देखिए 47 है और इसका यहाँ पर 30 के आसपास चल रहा है। डेट इक्विटी पॉजिटिव पीछे हमने देखा ही, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर देखिए नेगेटिव और प्रमोटर शेयर होल्डिंग नेगेटिव, दोनों चीज़ें भी मैंने बताई आपको शुरू में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिख रहा है और प्रमोटर्स प्लेज है नहीं, तो ये पॉजिटिव रहेगा मामला। अब यहाँ पर देखिए प्रमोटर हैं विकास गर्ग साहब, इनके पास है 7% का स्टेक, और FII अगर आप ये मिला लेंगे तीनों को
तो देखिए 6.8% का स्टेक है एजी डायनेमिक फंड के पास, विकास ग्लोबल के पास है लगभग 6.8% और कैलिप्सो ग्लोबल है जो इनके पास है 1.6% का स्टेक, बाकी जो ये मामला है पब्लिक के पास है। वीडियो को पॉज करके आप रिटर्न्स पढ़ लीजिए, 3 महीने में 12% का रिटर्न दे चुका है, अच्छा खासा भागा भी था ये, लेकिन फिलहाल ये नीचे भी आ गया, आपको देख लीजिए 5 साल में माइनस गए, 3 साल में 19%, 2 साल में 55%, 1 साल में लगभग 15% अभी भी गिरा हुआ है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो टुडे यानी कि शुक्रवार का मामला है, ठीक है, 71 लाख का वॉल्यूम जनरेट किया है, और यस्टरडे यानी बृहस्पतिवार को 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक एवरेज आपको दिख रहा है 1 करोड़, 1 मंथ का एवरेज आपको दिख रहा है 2 करोड़। वहीं डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर देखिए आपको 54% दिख रहा है, 55%, 51% और 56%, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि लगभग 50% के आसपास डिलीवरी उठाई जाती है। हम लोग बात करते हैं चार्ट की, तो गाइस यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो लाइन थी, यहाँ से आपको एक थोड़ा सा ट्रेंड लाइन, देखिए मैं जनरली चार्ट को कोशिश करता हूँ जितना सिंपल से सिंपल रखूँ, यहाँ पर 50 चीज़ें मैं अगर लगाऊंगा तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, उतना बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं तामझाम नहीं लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर ही लगभग चलता हुआ दिख रहा था, और यहाँ से आपको नीचे भी आया था, लेकिन फिलहाल अभी भी आपको उसी पर ही आपको हल्का फुल्का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। 50 EMA पर आप देखिए एग्जैक्टली वहीं पर आके रुका हुआ है, 3 रुपये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी निकल के आता है, और यहाँ पर आपको एक जो ये वाला सपोर्ट, ये वाली लाइन दिख रही है, ये एग्जैक्टली 3 रुपये के आसपास है ये वाली, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, और अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर गया था। गाइस मैं सही बताऊँ तो ESM में आने के बाद मैंने आपको बताया ही है कि 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों को मैंने लगभग लगभग सभी को बेच दिया, लगभग क्या सभी को ही, अभी मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 1000 करोड़ से ऊपर वाले ही कम मार्केट कैप वाले ऊपर वाले ही स्टॉक्स हैं। अभी इतनी अच्छी न्यूज़ है और मैं इसको सच में रखना चाहता था अपने पास, लेकिन मैं सही बताऊँ अपने हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि भैया अपनी कैपिटल का 2-3%, 4% से ज़्यादा पैसा कभी भी पेनी स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए। तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो इतनी ही थी कि मैं अगर वो डूब जाती कंपनी, डीलिस्ट हो जाती, व्हाटएवर कुछ भी होता, तो मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ऐसे ही आपको भी करना होगा कि पेनी स्टॉक्स हैं, किसी ना किसी रीजन से पेनी स्टॉक्स होते हैं, कितना बड़ा ऑर्डर मिले, कितनी भी सारी चीज़ें हों, आपको उतना ही पैसा लगाना है पेनी स्टॉक्स में, जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो। दूसरा तो आपको पता ही है ESM का खतरा कितना बड़ा है, कब ESM में आ जाएगा पता नहीं है। मैं अपने टेलीग्राम में रोज़ लिस्ट डालता हूँ, रोज़ एक्सचेंजेस भर भर के ESM के शेयर्स 2 में डाल रहे हैं, 1000 कंपनियों से ज़्यादा कंपनियों को डाला जा चुका है, और अभी अच्छी खासी कंपनियां बची होंगी जो अभी इसमें आएंगी, क्योंकि बहुत सारी अभी ऐसी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है। RSI की बात करेंगे तो 44.38 है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, प्लस ऑर्डर जो आया उसकी वजह से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखने को मिल सकता है। चलिए गाइस आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आती होंगी, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जनरली रिस्पॉन्ड करता हूँ सभी को भले लेट हो जाए कभी थोड़ा बहुत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दिया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप लोग चले जाते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करिए, कुछ जानकारी ही मिलेगी आपको। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, वीडियोस प्योरली आपके एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, ठीक है, मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, साफ साफ कहता हूँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए धन्यवाद।